गैलेटर्स प्रेजेंट्स ऑसमो स्पीक्स। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। आइए आज आपको दुनिया की चूथड़ चंगड़ चप्पड़ गंजू किस्म की क्रिकेट टीम दिखाता हूँ मैं। राजा जी एक दफा इन पे लाने थे कबीरा घुमाते जाओ जरा। मैच के हाइलाइट्स तो आप टीवी पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भारत पना हाइलाइट करने के लिए आया हूँ। इंडिया के मौका मौका वाले एड्स ने हर मौके पे आके हमारी मारी है यार। मादर छितर, हमें भी कोई मौका दो कि हम भी कुछ काउंटर करें। इनकी खुसरो वाली परफॉर्मेंस देख के हम पाकिस्तानी जो टीवी पे देख रहे होते हैं ना मैच, उनकी शक्ल बबून की पिट्ठी से ज्यादा गुस्से से लाल हो जाती है जिगर। क्रिकेट असल में मैच जो है ना वो है मर्दों का, और हमने पिच पे भेज दिए छक्के। अब छक्कों से रियल लाइफ में छक्के नहीं लगते यार। कल वाले मैच में एक बंदा एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं था सिवाय मलिक साहब के। मलिक साहब ने पहले सोचा कि सर जी आन दो, आज तो ससुराल की मदर सिस्टर टुगेदर यानी कि ससुराल की माँ भेड़ एक कर देते हैं। मलिक साहब ने अभी दो चौके और एक छक्का मारा ही था कि उनकी किस्मत को केले लगाने आ गया ये बंदा मिस्टर हफीज। इस चौरस शक्ल वाले आदमी ने मलिक साहब को भी रन आउट करा दिया और बाद में खुद भी आउट होकर तालियां बजाते हुए घर वापस चले गए। और अहमद भाई की तो बात ही ना करो यार, अहमद भाई की कमजोरी है प्रेशर। प्रेशर क्रिकेट का हो या टट्टी का हो इनसे नहीं संभाला जाता, ये गंद मचा देते हैं बस। फिर क्या भाई, अगले 10 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई। वाह मादर चितर, राजा जी बहु रामी भैंस चोर बहु रामी। और ये जो अजहर भाई हैं, जब इन्होंने 50 मार लिए तो फिर इन्होंने सोचा कि यार देखो मेरी पिट्ठी तो हो गई महफूज, मेरा हो गया फर्ज पूरा, अब टीम जीते या हारे मैं ठंड माहौल में हूँ। और ये जो बंदा इमाद वसीम यार, इसको क्यों रखा है, इसको जब कुछ आता ही नहीं है तो यार इससे अच्छी तो गुरन लगान वाला गुरन अच्छी बैटिंग कर लेता है। ये देखो और इस नायाब नमूने वहाब रियाज के लिए तो तालियां बजानी चाहिए यार। इस बंदे ने 8 ओवर्स में 87 रन दिए यार, तू इंडिया की तरफ से खेल लेता ना भाई, इधर क्या कर रहा था। और इस वहाब रियाज से लाखों करोड़ों दफा बेहतर मुझे कचरा लगा, या ये वाला कचरा नहीं लगान वाला कचरा। देखा कहां फिर की इमारत है। लिटरली जब हम पाकिस्तानी अपनी क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस देख रहे थे ना, हमारे रिएक्शन कुछ इस तरह थे, ये कहां खेल रहे हैं, कहां जाने ससुरे कहां खेल रहे हैं, यही तो हम और समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अम्मा को याद कर रहा है। और एक नंबर का भारत पना यार, इस मर्दों के खेल में ये कमसन 18 साल का बच्चा लौंडा क्या कर रहा है। प्यूबर्टी ने सही तरह से इसको अभी हिट नहीं किया यार, ये क्या छक्के हिट करेगा भाई। और ये जो लोग गाना गाते हैं ना, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, केला प्यार है तुमसे भैंस चोर, कभी तो जीत के दिखाओ। ये गाने कभी कभी के लिए चल जाते हैं, तुम तो हार ही जा रहे हो, हार ही जा रहे हो, ऐसा कोई सीन है यार। फ्रस्ट्रेशन से दिमाग खराब हो गया यार। अच्छा भाई इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और हमें ये नई टीम चाहिए यार, ये भारत लोग नहीं चाहिए। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।